हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट टाइम जो सीरीज चल रही है, आपको मालूम है जो सीरीज चल रही है, ये BAMS कॉलेज, जो आयुर्वेदा के कॉलेजेस होते हैं उनके ऊपर चल रही है। लास्ट टाइम जो वीडियो बनी थी आपने देखी होगी, वो रीवा के कॉलेज के ऊपर थी। आयुर्वेदा में जो रीवा का कॉलेज है, बड़ा पुराना कॉलेज है, उसके ऊपर पूरी वीडियो बनी है। उसके बारे में बताया गया था कि क्या कॉलेजेस में क्या फैसिलिटीज़ हैं। और अभी जो आज वीडियो लाया हूँ मैं, ये जो वीडियो आप देख सकते हैं, ये भोपाल का जो कॉलेज है, खुशी लाल शर्मा कॉलेज, तो इसके ऊपर बनी है। ये भी आयुर्वेदा का जो है कॉलेज है। देन इसमें खासियत ये है, ये जो कॉलेज है ये सबसे न्यूली कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज है। फैसिलिटीज़ भी इसमें अच्छी हैं। और आप देख सकते हैं 50 एकड़ में समथिंग में जो इसका एरिया फैला हुआ है इसके अंदर। और एक फैक्ट और है इसका, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, कि शंकर दयाल शर्मा जो MP के जो अच्छे नेता रहे हैं, उनके उनके जो पिताजी थे, उनके ऊपर ये जो है कॉलेज बना है। उसका नाम रखा गया है वो खुशीलाल कॉलेज, खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज भोपाल। ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, जैसे मैंने लास्ट में बताया था आपको, ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ है। सबसे रिसेंटली जो न्यूली कॉलेज जो है आयुर्वेदा का, वो भोपाल में इस्टेब्लिश हुआ है 1995 में। देन उसके बाद बात करें एफिलेटेड कहाँ से है, तो ये BU से है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। BU को फुल फॉर्म है, जो भोपाल की और जबलपुर की जो आपको मालूम है फेमस यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, MSU, वो वहाँ से जो है एफिलेटेड है। दो जगह से, दोनों यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज आपका एफिलेटेड है। अब बात करें कोर्सेज में और सीट्स की, तो कोर्सेज जो है यहाँ BAMS MD जो करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आगे जो फर्दर मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। 3 साल का जो MD होगा। बहुत से स्टूडेंट जो PhD करना चाहते हैं, PhD वालों के लिए भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। देन सर्टिफाइड कोर्स, जैसे लास्ट टाइम भी जो मैंने बताया था, रीवा वाले कॉलेज में भी था सर्टिफाइड कोर्स, इसमें भी है टेक्निकल्स का। एंड देन आयुर्वेदा में डी फार्मा आयुर्वेदिक, जो अब लाइसेंस आपको इश्यूज होता है मेडिकल स्टोर्स के लिए, तो वो डी फार्मा वगैरह इसके अंदर आता है। तो बात करें आयुर्वेदा में जो सीट्स हैं, वो 75 सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो आप इसके लिए काउंसलिंग के लिए कर बैठ सकते हैं यहाँ पर। काउंसलिंग का लास्ट टाइम वीडियोस भी बन चुकी है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग के लिए भरना है। अगर कोई भी इश्यूज है स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में नहीं भर पाए, या फिर आप बिल्कुल आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको जो है इसमें गाइड किया जाएगा। तो बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ट्यूशन फीस जो होती है, ट्यूशन फीस में जो आप जो पढ़ाते हैं वहाँ जो फैकल्टीज, उनकी जो फीस बोलते हैं ट्यूशन फीस, इसमें जो है फर्दर जो फीस होती है वो अलग होती हैं, जिसके अंदर डेवलपमेंट फीस आती है, और जो अदर जो कैरिकुलम्स होते हैं उनकी फीस जो है अलग होती है। तो ट्यूशन फीस जो है आप देख सकते हैं वो 40,000 रुपीज़ पर ईयर की है। और जो है अदर फीस जो लगेगी आपकी, जो दूसरी जो कॉलेज में लगती है, वो 22,000 रुपये इसके अंदर, 22,000 रुपीज़ इसके अंदर आपको फर्दर देनी पड़ेगी। अगर आप हॉस्टल्स लेते हैं, जो स्टूडेंट जो अगर लोकलाइट नहीं है, भोपाल से बाहर से आते हैं, हॉस्टल लेना है, तो ये 15,000 रुपये पर ईयर उनकी हॉस्टल फीस रहेगी। तो टोटल आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की जो फीस लगेगी आपकी 84,785 रुपीज़ जो है आपकी, ये फर्स्ट ईयर की आएगी। फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन फीस वगैरह, क्वेश्चन फीस वगैरह जो लगती हैं, वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है इसके अंदर। देन जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपको मालूम है फोर्थ ईयर तक जो आपका कॉलेज रहेगा, उसके अंदर 62,785 रुपीज़ आपकी रहेगी, जो हॉस्टल वाले नहीं हैं। और जो हॉस्टल्स अगर आप नहीं लेंगे इसके अंदर, आपको हॉस्टल में रहना है अगर आपको, तो इसमें 15,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा एड कर लें दोनों फीस के अंदर। देन बात करें जो एमिनिटीज़ हैं कॉलेज के अंदर, यहाँ पर भी आपको हर्बल गार्डन मिलेगा। जो है अच्छा कॉलेज में जो गार्डन है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके के आयुर्वेदिक की जो जड़ी बूटीज़ वगैरह होती हैं, और जिस तरीके से जड़ी बूटियाँ किस तरीके से उगती हैं, किस तरीके से उनके पेड़ लगते हैं, आपको उसमें प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि किस जड़ी बूटी बूटी जो होती हैं उसके अंदर क्या फ़ायदा रहेगा उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। म्यूज़ियम रहेगा वहाँ पर, म्यूज़ियम मीन्स इसमें ये रहेगा कि जो पुराने जो जितने भी एंशियंस टाइम की जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं वो उसमें होगा, उसमें नाम लिखा रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा कि क्या किस चीज़ के लिए फ़ायदे की हैं और कौन सी किस चीज़ में फ़ायदा नहीं है।
इस सब चीज़ों के बारे में जो है उसमें डिटेल में बताया जाता है, वो म्यूज़ियम वगैरह में। रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं आयुर्वेदा के ऊपर तो वहाँ अवेलेबल रहेगा, कर सकते हैं आप। इसके अंदर रिसर्च जो है यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर जो है इम्पोर्टेंट होती है, बहुत से स्टूडेंट जो है रिसर्च करते हैं इसके अंदर। जैसे आपको मालूम है आयुर्वेदा में अगर आप जाना है तो उसमें रिसर्च फैसिलिटीज़ भी हैं कि आप जो मॉडर्न लाइफ के हिसाब से जैसे एलोपैथिक है, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक को किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, इस टाइप पे भी रिसर्च है यहाँ पर। इसमें आप पीएचडी भी कर सकते हैं, एमडी भी कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर इसके अंदर आपके पास ओपीडी है, ओपीडी भी अवेलेबल है कॉलेज के अंदर। बहुत से जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर जो एडमिट होने भी आते हैं तो वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल्स भी है तो ओपीडी वगैरह भी वहाँ पर होती है। तो मैंने आई थिंक सब कवर कर लिया इसके अंदर एस्टेब्लिश। एंड देन कैंपस जो है 50 एकर्स में है तो अच्छा बड़ा कैंपस है यहाँ पर। देन उसके बाद एफिलेटेड भी हो गया कवर, इसके अंदर कोर्सेज भी इसमें कवर करे हैं मैंने, फीस एंड देन उसके जो एमिनिटीज़ हैं कॉलेज की उसमें पूरा ओवरऑल कवर करा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए आप बिल्कुल जो है कमेंट्स करें, उसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच।